हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी क्रम्पली भजिए, जिसमें हमने वेजिटेबल्स डाले हैं अंदर, आलू, प्याज, थोड़ी सी दूधी भी डाली है जो आपके बच्चे नहीं खाते हो तो भी खा लेंगे, और बहुत ही क्रंची बनाया है इनको हमने। तो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो भी आप देख लीजिए। एक चावल का आटा डालने से थोड़ा सा क्रिस्पी ज़्यादा हो जाते हैं भजिए, तो ये मेरी वाली थोड़ी रेसिपी भी देख लीजिए आप कैसे हैं, और अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये हमने 3 मीडियम साइज के प्याज बड़े बड़े चॉप कर लिए, इसमें पतला चॉप करने की जरूरत नहीं है बहुत। ये है एक छोटा सा टुकड़ा दूधी का, मतलब 200 ग्राम जितना, और 2 आलू है, ये भी हमने रफली चॉप कर दिए हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, बस ये साइज के होने चाहिए, जैसे पोहे में डालते हैं ना वो साइज के, प्याज थोड़े मोटे हों और आलू और दूधी, दूधी भी चली जाती है इसमें, पता नहीं चलता है। ये है 4 बड़ी मिर्ची। भजिए में मिर्ची है ना अच्छी लगती है, क्योंकि स्पाइस उसी से आता है। ये है धनिया पत्ती और पुदीना, थोड़ा सा वो डाल दीजिए। ये है अखा धनिया होता है ना सूखा, उसको मैंने थोड़ा कूट लिया है, एंड देन उसका 1.5 से 2 चम्मच आप डाल दीजिए। ये बहुत अच्छा अरोमा और इसको एक फ्लेवर देता है भजियों को। उसके बाद थोड़ी सी हींग, अब बेसन कितना डालना है हमें इसमें, ये मैंने 2 कप निकाल के रखा है बेसन, इसको डाल के मिक्स करेंगे पहले तो हाथ से कितना जा रहा है, क्योंकि वेजीज ज़्यादा रखेंगे ना तो थोड़ा अच्छा लगता है भजिया, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी। हाँ, ये लगभग 1.5 कप बेसन चला गया है इसमें, ये हाफ कप रह गया है। अब इसमें हम 2 चम्मच ये चावल का आटा है ये डालेंगे, इससे क्रिस्पीनेस आती है भजियों को। और ये है थोड़ी सी चुटकी सोडा, बेकिंग सोडा होती है ना वो, और एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च और नमक। अब इसको ना अच्छे से हमें मिक्स करके फिर पानी डाल के भजिए का बैटर बनाना है, थिक कंसिस्टेंसी का एकदम। मसाले को मिक्स कर दिया है मैंने, अब मैं इसमें 1 कप पानी लिया है, उससे थोड़ा थोड़ा करके हम बैटर में डालते जाएंगे और अच्छे से उसको मिक्स करते जाएंगे, ये हाथ से करेंगे तो बेटर है। बस ये कंसिस्टेंसी का हमको बनाना है। वो 1 कप पानी में से थोड़ा सा 3-4 चम्मच बच गया है, बाकी सब पड़ गया है इसमें पानी, और इस कंसिस्टेंसी का आप बस इसको बना दीजिए। सोडा वगैरह सब हमने डाल दिया है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसको ना हमें पहले थोड़े बड़े बड़े भजियों को फ्राई करना है, फिर तोड़कर इसको वापस से डबल फ्राई करेंगे, एक बार बड़े बड़े डालने हैं कि वो अच्छे से सिक जाए। मैं हाथ से ही करती हूँ, हाथ से। ये ना हमें बड़े बड़े भजिए फ्राई करने हैं पहले, तेल एकदम गर्म है अपना, 3-4 बड़े बड़े डाल दीजिए, फिर इसको रीफ्राई करेंगे हम तोड़कर। ये इस तरह से बनते हैं जो सब्जी के होते हैं ना भजिए। इसको ना थोड़ी देर स्लो कर दीजिए बीच में, ताकि वो अंदर से पक जाए, और फिर पलट देते हैं इसको एक बार। हाँ, बस अभी इसको एक बार पलट दीजिए फिर से, थोड़ा सा ऐसे क्रिस्पी लगे बाहर से, और फिर हम इसको निकाल देते हैं। बस अब इसको हम निकाल देंगे, इसी तरह से सारे जो भी बैटर है हमारा पूरा बड़े बड़े भजिए करके हम इसको एक पेपर टॉवल पे निकाल रहे हैं सब। अब ये थोड़े से ठंडे होने देंगे और हम इसको फिर बड़े बड़े पीसेस में कट कर देंगे, काटेंगे हाथ से ही, तोड़ेंगे मतलब, एंड फिर उसको वापस फ्राई करते हैं हम। ये से बड़े बड़े पीस करके भजियों के, देखिए गर्म है अभी, थोड़ा ध्यान से, हाँ चले नहीं, इसे बड़े बड़े पीस करेंगे ना तो अच्छे लगते हैं भजिए।
ऑयल की कढ़ाई अपनी गर्म ही है, सब अपने फ्राई हो गए हैं कच्चे भजिए। अब हम इनको बोलते हैं पक्के कर रहे हैं। ये कच्चे भजिए हम फ्रिज में भी कच्चे भजिए बना के रख सकते हैं, कभी एक दिन पहले तैयारी करनी हो तो, और दूसरे दिन इसको बनाएंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। बस इतने भजिए डाले और इसको थोड़ा फास्ट गैस पर ही करना, बहुत स्लो नहीं करना है। तो हमने अंदर से उनको थोड़ा थोड़ा तो कुक कर ही दिया है। बस ये अब एकदम गोल्डन हो गए, मस्त। हम इसको निकाल देते हैं थोड़ा ऑयल एकदम छान कर, पेपर टॉवल पे निकालना इन्हें वापस एक फ्रेश पेपर टॉवल लेके, ताकि एक्सेस ऑयल सारा निकल जाए। इसी तरह से सारे भजिए हमको डबल फ्राई कर देने हैं और बस सर्व करते हैं फिर उसे। Thank you.